हेलो हाय नमस्कार, आप सबको स्वागत है मेरे डेली किचन ब्लॉग में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ काकरा, जो कि एक फेमस रेसिपी है उड़ीसा का। तो वो मैं आज उसको रागी फ्लोर में बनाई। वो नॉर्मली आटा से, मैदा से, सूजी से बनता है, मगर मैं आज आपके लिए हेल्दी वर्जन रागी फ्लोर से बनाई हूँ और बहुत ही टेस्टी। रियली इट्स सो यमी। आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा। अभी देखिए, इसके लिए मैं 2 कप ली हूँ रागी फ्लोर, उसमें 1/2 कप ली हूँ आटा। गेहूं का आटा यूज़ कर रही हूँ क्योंकि रागी फ्लोर थोड़ा बाइंडिंग नहीं होता है, वो ग्लूटेन फ्री रहता है, तो इसीलिए आप उसमें आटा मिलाएंगे। और उसके साथ मैं अभी देखिए कढ़ाई में 4 कप पूरा भर के पानी बॉईल करने के लिए बिठा दी। उसके साथ मैं डाल रही हूँ नमक स्वाद अनुसार और शुगर, जो चीनी है वो 2 बड़े चम्मच डाली हूँ। और इसके साथ मैं डाल रही हूँ सौंफ और थोड़ा सा कैडमम पाउडर। देखिए ये बॉयल हो गया। बॉयल होने के बाद इसमें घी 1 चम्मच डाल के गैस फ्लेम को पूरा लो कर दे रही हूँ। और अभी उसमें वो जो मिला के रखे हैं पाउडर, उसको अभी डाल के हम पूरा लो फ्लेम में थोड़ा थोड़ा करके चला रही हूँ और डाल रही हूँ। उसमें क्या होगा ना, ये लम्स फ्री भी रहेगा और अच्छे से ये पक जाएगा। तो आप देख रहे हैं कितना अच्छे से, और ये कढ़ाई से छूट रहा है तो ये पूरा रेडी हो गया। अभी क्या करेंगे हम लोग, उसको 5 मिनट तक ढक के छोड़ देंगे क्योंकि ये थोड़ा पक जाए। तो गैस फ्लेम को बंद कर दीजिए। उसके साथ अभी देखिए मैं कोकोनट ली हूँ, पूरा 1 कोकोनट इसमें यूज़ कर रही हूँ। और उसमें 4 बड़ी चम्मच मैं डाल रही हूँ शुगर या चीनी। इसके बदले आप जैगरी भी यूज़ कर सकते हैं। मैं जैगरी इसलिए यूज़ नहीं की क्योंकि ये जो काकरा बनेगा थोड़ा इसका कलर चॉकलेट टाइप का बनेगा, तो इसलिए अभी अगर मैं ये इसमें जैगरी यूज़ करूँगी तो थोड़ा वो भी काला और ये भी काला दोनों एक जैसा लगेंगे। इसमें देखिए अब एक कैडमम पाउडर और पेपर पाउडर डाल दी और ऊपर से घी डाल दी। तो आप नारियल को बहुत दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा नारियल का स्टफिंग, जो कि हम लोग काकरा में यूज़ करेंगे। काकरा भी बिना स्टफिंग का होता है, मगर ये हम लोग नारियल वाला बनाएंगे। तो देखिए अभी पूरा रेडी हो गया। अभी उसको मैं अच्छे से मैश करके, जैसे हम लोग रोटी बनाते हैं वैसे ही आपको गरम हाथ से, गरम गरम जब होगा ना तभी करेंगे। अगर आपको हाथ से करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो थोड़ा सा हाथ को गीला कर देंगे, उसके बाद आप अच्छे से करेंगे पानी में या तेल से। तो देखिए अच्छे से आप, अगर ये आपको लग रहा है कि ये सूख जा रहा है या ड्राई हो रहा है, तभी हाथ में थोड़ा सा पानी लेके अभी ऐसे करेंगे। देखिए तो ये हो गया। उसमें थोड़ा सा स्टफिंग भरेंगे, फिर इसको ऐसे बंद कर देंगे और बंद करके ऊपर में थोड़ा सा ऐसे देखिए डो निकले लगा, उसको निकाल के फिर अच्छे से इसको बंद कर देंगे। तो इसमें कुछ क्रैक नहीं रहेगा, तो जब तेल में डालेंगे तभी ये निकलेगा नहीं। तो ऐसे करके मैं अभी आपको एक एक करके दिखा रही हूँ। और मेरे पास एक मोल भी था, तो मोल से भी मैं कुछ कुछ बना दी ऐसे। तो अभी देख रहे हैं कितना अच्छे से वो परफेक्ट सेट हो गया है। अगर आपको सूखा लगता होगा तो आप इसमें पानी यूज़ करेंगे। तो ये अभी हो गया। अभी देखिए ऑयल को पूरा गर्म करने के लिए बिठा दी थी, तो ऑयल गर्म हो गया। अभी मैं इसमें एक डाल के देख रही हूँ कि हाँ ये परफेक्ट है। तो अभी देखिए अभी एक एक करके मैं काकरा को इसमें तलने के लिए छोड़ूंगी। तो पहले आप क्या करेंगे ना, फ्राई जब कर रहे हैं तो फर्स्ट 2 मिनट हाई फ्लेम में करेंगे, उसके बाद 2 मिनट होने के बाद ही आप इसको लो टू मीडियम फ्लेम में कर देंगे। पूरा लो नहीं करेंगे या पूरा हाई करेंगे तो जल जाएगा। तो पूरा मीडियम फ्लेम में आप करेंगे। देखिए कितना अच्छे से काकरा फूल के बड़ा हो जा रहा है। तो ये पूरा परफेक्टली हमारा रेडी हो जा रहा है। अभी मैं क्या करूँगी, इसको एक एक करके एक छन्नी के ऊपर रखूँगी, उसमें पूरा जितना ऑयल है वो निकल जाएगा। तो देखिए परफेक्टली रेडी हो गया है। कितना अच्छे से इसका कलर भी आ रहा है और बहुत ही अच्छा हुआ था जब मैं बनाई थी,
तो ऐसे करके सारे के सारे काकरा बना दी हूँ और आपको एक पास से भी लेके सर्व करके दिखा रही हूँ। ये देखिए कितना अच्छा हुआ है, बहुत टेस्टी हुआ था। आप पक्का इसको घर पे बनाइए और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और फिर से मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।